बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। मेहमानों से बातें हम कर रहे हैं ऑफ एयर भी, और आपके सामने भी हम कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो हम ऑफ एयर पूछ लेते होते हैं। मैंने इनको तैयार कर दिया है गेम के लिए, और गेम जो है जनाब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं ईद उल अज़हा बकरा हमारे पास मौजूद है, ख्वातीन इसको बकरा समझेंगी और मर्द हजरात जो है उसको बकरी समझेंगे। टैलेंटेड है ये एक गेम है। आप बकरा है जो एंकर्स है? एंकर्स नहीं है, नहीं मैंने बकरी की बात की। अच्छा ठीक है, आप लोगों की गेम ये कि मैं आपको एक एक लाइन दूंगी और आप लोग जाएंगे और आपने इसको इसके साथ कुछ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का इजहार करना है आपने बकरे के साथ या बकरी के साथ। तो बारी बारी आगाज हम जौक से करेंगे। ये देखें बारी तो सबकी होनी है। जौक आ जाए आप इस तरफ और आपको मैं लाइन देती हूँ, ठीक है? अभी आपने अभी नहीं फ्लाइट शुरू करना, अभी जरा अभी तो उसको समझा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मगर तुमसे ज्यादा मुझे मटन कड़ाही से प्यार है जो मैं कुर्बानी के बाद तुम्हारी बना कर खाऊंगा, मुझे माफ कर देना प्लीज। इसके साथ करना? इसके साथ आपने करना है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी मटन कड़ाही से प्यार है जो मैं कुर्बानी के बाद नीलम से पकवा कर तुमसे खाऊं। वाह वाह वाह, नीलम को भी काम दे दिया। चलो जी आमिना आजम जरा मैदान में, आमिना को भी जनाब हम भेज दें वहां पे। ओ माय गॉड क्या बात, बकरे के लिए अच्छी शायरी हो सामने तो भरपूर एक्ट्रेस हैं। हाँ। नहीं मैं अच्छी एक्ट्रेस। अच्छा आमिना आपकी लाइन में कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रुकी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और कुर्बानी के बाद तुम नहीं रहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर कुर्बानी के बाद तुम नहीं रहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हाँ मैं अगर तुम्हारे साथ दो मिनट भी रुकी तो भागने का प्लान। हाँ चलो जी आमिना सुनो सुनो प्यार से कहिए सुनो। नहीं चले दोबारा चुप खामोशी खामोशी सुन लिया तो सुनिए। अगर मैं आपके साथ दो मिनट और रुकी तो मुझे आपसे प्यार हो जाएगा फिर से, लेकिन कुर्बानी के बाद मुझे आपको कुर्बान करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो। ये तो रोने ही लगी थी, मुझे लग रहा था ये भी रो पड़ेगी। आ जाओ नीलम, आंसू तो उसकी आंखों में भी आ गए। नीलम ये डायलॉग भी आसान है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है और हर कसाई ने तुम्हें कुर्बान करने की साजिश की है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है और हर कसाई ने तुम्हें कुर्बान करने की साजिश की। हाँ जी मैं बैठ के ज्यादा इधर कर सकती हूं, शायद वो मान जाए। आप जिस कैंडल भी लाके दें। हां चलिए जी, बहुत शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है लेकिन कसाईयों ने तुम्हें कुर्बान करने की साजिश की है, अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप आ जाए यहाँ पे, चले जनाब जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी आगे आपके पारी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा अजीम आपकी लाइन थोड़ी लंबी है लेकिन आप याद कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग मुजाहिद होते हैं, न्यूज भी आप ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, प्यार तो बहुत लोग करते हैं मगर मुझ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम्हारे जैसा बकरा नहीं होगा। ठीक है बकरी मेरे घर से बकरी, मेरे घर से बकरी नहीं होगा। अजीम को आप देखें क्योंकि किसी के देखें अब उनके पोज में। हाँ सुनो, प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मुझ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। अजीम अगली लाइन आपकी। दिल को जुबान आंखों को सपने मिल गए, कुर्बानी से जिंदगी को जायके मिल गए। दिल को जुबान आंखों को सपने मिल गए, कुर्बानी से जिंदगी को जायके मिल गए। ठीक हो गया, अब आप करें जरा। सॉरी भूल गया। दिल को जुबान, दिल को जुबान आंखों को सपने मिल गए, कुर्बानी से जिंदगी को जायके मिल गए। दिल को जुबान आंखों को सपने मिल गए, कुर्बानी के बाद जिंदगी को जायके मिल गए। बाहर आ रही है राजवीर, देखे सिर्फ न्यूज एक्टर्स नहीं है, ये बहुत एक्टर्स भी है, शदीद किस्म के। ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। अच्छा चले अब ये जरा हम आपसे ये अगर एक डायलॉग हम फिर अर्मिला से भी करवा लें। हम चारों की फरमाइश पर एक डायलॉग अर्मिला बैठे। अच्छा मेरी बात सुने,
अभी मैं आप लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने वाली हूँ, मैं भूल जाऊंगी। ये बताएं, न्यूज़ पढ़ते हैं आप लोग बहुत सारे, हम भी इंसान हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, और जब मेरी कोई 100th एपिसोड 200th एपिसोड होती है तो मेरी टीम ना वो सारे फंबल्स इकट्ठे करके मुझे दिखाती है। आप लोगों से भी बहुत सारे फंबल्स हुए होंगे, बहुत सारे उल्टे उल्टे कारनामे हुए होंगे जो आप लोगों ने अचानक से खेल दिए होंगे और फिर बाद में आप खुद ही हंसते होंगे। नीलम, क्या ऐसा काम किया आपने दौरान न्यूज़ के, आप खुद बाद में हंस रही होंगे? अच्छा, ये मैं स्पेशली जो ज़्यादा एक चीज़ पर हंसी थी वो ये थी कि मुझे रिपोर्टर्स के नाम जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करते थे। अच्छा, अब हमारे एक रिपोर्टर थे फारूक बोदला, हाँ, और मैं उन्हें अनाउंस करती थी फारूक बदोला अच्छा, उनसे माजरत भी की फारूक बोदला साहब, ये गलती से हुआ था, जानबूझ के ऐसा कोई मेरा नहीं था कि मैं आपका नाम बदोला बोलूं। बाद में मैं बहुत सीरियस थी, फारूक बदोला बोल दिया मैंने और अनाउंस हो गया, थैंक यू भी कर दिया। हाँ। बाद में मुझे सर ने पूछा कि आपने क्या नाम बोला, मैंने कहा फारूक बदोला। अच्छा, उसका नाम तो फारूक बोदला है, मैंने कहा ओह शिट। और इवन के उनका फोन भी उन्हें आया। हाँ। और उन्होंने कहा कि आपके एंकर ने मेरा नाम इस तरह से लिया और सब मुझे बदोला छेड़ते हैं। बदोला बेचारे के साथ हुई है। अच्छा, अब ना जब आपकी सर, आपने क्या ऐसे ऑन एयर कोई ऐसी उल्टा फंबल किया हो कोई ऐसी? अच्छा, फंबल तो उस तरह से मुझे कुछ याद नहीं है, इतने सारे फंबल नहीं मैं करती। मेरे साथ जो इशू है वो ये कि अगर कोई को एंकर कोई दौराने बुलेटिन कोई जोक कर दे या कोई इस तरह की कोई बात कर दे जिससे मेरी हंसी छूट जाए, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब ब्रेक के बाद आते हैं तो तब भी मैं हंसती रहती हूँ, कोई सीरियस न्यूज भी क्यों ना हो। हुआ ये था कि मैं किसी और चैनल में थी, तो वहां पर मेरे को एंकर ने कुछ इस तरह की बात कर दी, वो है भी पठान था। हाँ, हाँ। तो मुझे हंसी आ गई। अब हम ब्रेक के बाद आए हैं तो सेगमेंट अनाउंस करना था कि अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। हाँ। तो वो आया, उसने कहा, उसने एक खबर पढ़ी, उसके बाद अभी मुझे हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ कंट्रोल कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने अनाउंस करा था, मैंने कहा और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। इतना हंस के आपने, इतना हंस के यूं कह दिया और मैंने यूं कर लिया, तो फौरन से फिर पीछे से कॉल आ गई, उन्होंने कहा ये क्या है, मुझे इस बात पर मुझे ऑफर भी किया उन्होंने। अच्छा। दो बुलेटिन में। और ये चीज मुझे बहुत तंग करती है कभी कभार, तो मुझे कभी होता है वैसे। हाँ। मुझे भी आने ना इनके साथ हमेशा होता है। अच्छा, हाँ, मेरे साथ ये सब कभी और कम मामला। मैं तो यकीन करो कि मैं उस टाइम दुआ करना शुरू थी, अल्लाह बस बचा ले नौकरी खतरे में। मेरे साथ ऐसा होता है कि गेस्ट है ना, अब मैं खुद तो फंबल करके मेरे कान में अगर कोई उस वक्त ना कहे ना फिर तो मैं हंसी कंट्रोल कर लेती हूँ। मेरी प्रोड्यूसर है सोनिया, उसकी आदत है उसने दौराने शो ही मुझे कहना फिर मेरी हंसी छूट जाती है, मैं उसी बात पे हंसती रहती हूँ। अक्सर मैं ऑन एयर इशारे भी कर रही होती हूँ, वो ऑन एयर जा रहे होते हैं। तो बुजुर्ग आपके हवाले से बताया। अच्छा, ना मुझे न्यूज़ के हवाले से कोई याद नहीं, लेकिन न्यूज से हटके मैं एक दिन न्यूज कंट्रोल रूम में बैठा हुआ किसी और चैनल में था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहले जो नंबर डायल हुआ है वो राना सनाउल्लाह का डायल हुआ। तो मैंने किसी को खाना लेने भेजा था, मैं बड़े मजे से सीट पे जाके बैठा और मुझे ये लगा कि वो नंबर मैंने पहले उसी पीटीसीएल से डायल किया है। हाँ, तो दो पीटीसीएल थे वहाँ पड़े हुए, सेट पड़े हुए थे। मैंने वो फोन उठाया, रीडायल का बटन दबाया, फोन उठाते ही उसने कहा हेलो, मगर तेनू क्या खाना लिया के आगे से कहते हैं हाँ जी, तो मैंने आवाज पहचान ली, राणा साहब कैसे हैं आप? आपसे एक चीज पूछनी थी, वो जानना चाह रहा था और वो पूछ के मैंने कॉल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद लगा शुक्र अदा किया क्योंकि राणा साहब की कोई पर्सनालिटी भी ऐसी वजीर-ए-कानून थे उस वक्त जब ये हुआ, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। और वो अब मैं जब भी नंबर रीडायल करता हूँ तो एक बार जरूर देख लिया करें। अजीम, आपके साथ कुछ ऐसा वाक्या? हाँ जी, मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरा थोड़ा टेक्निकल काइंड का था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही बेसिकली यहाँ से लाहौर न्यूज़ से लिया और यूनिवर्सिटी के बाद ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस के बाद जब सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पर थे और जब ट्रेनिंग होती थी तो बेसिकली हम लोगों के सामने जब मैंने पहली दफा प्रॉम्प्टर देखा और उसके ऊपर सारा जब ओसी लिखा हुआ आया, तो जिन्होंने भी वो खबर फाइल की थी उन्होंने ओसी जो एक टर्म होती है जो टेक्निकल यूज करते हैं ऑन कैमरा के लिए, ऑन कैमरा के लिए, वो ओसी उर्दू में ही लिखा हुआ ओसी और उसके आगे पूरी खबर लिखी हुई थी। और मैं जनाब जब बैठा पहली दफा वहां पे स्क्रीन पे और मुझे पहली दफा मुझे मतलब एक प्रेशर टाइप इतना फील हुआ, आवाज आई पीछे से अचानक हमारे प्रोड्यूसर के कान में, ब्रेकिंग थी वो। उन्होंने बोला जी ब्रेकिंग पे आ रहे हैं रेडी, मैंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल रेडी, कहते बस 3-2-1 क्यू। अब वो मैं इतना पजल हो गया, वो सामने ओसी लिखा हुआ था, मैंने स्टार्ट इस तरह से किया ओसी और वो यही आगे लिखा हुआ चूंकि इस तरह से था और वो अभी तक याद है यहाँ पे सबको। लवली लवली, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी होती है। हाँ, मतलब सब कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये भी हिस्सा है हमारी ट्रांसमिशन का। बिल्कुल, ऐसे ही रेयर डे का मसला किसका है यहाँ पे?
हम में से अच्छा रेयड़ मेरा इशू होता था शुरू में तो मैं लाहौर बोल देती हूँ। अच्छा ये लाहौर में रहने वालों को ना ज्यादा मेजर इशू है, मुझे मुझे याद है हमारी कैंकर होती थी। नहीं मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल उसमें मैंने मेंशन किया, मैंने कहा हमारे एक दोस्त है उन्होंने उर्दू पर मुकम्मल रिसर्च की और उसके बाद ये मालूम हुआ कि अड़े लफ्ज से कोई उर्दू का लफ्ज शुरू नहीं होता। लेकिन जब वो लाहौर आए तो वो परेशान हो गए, एक लड़की को कहते हुए सुना रेलवे स्टेशन। अच्छा ऐवी बदनाम क्या हुआ, इतनी भी कोई बात ही नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया रेओडे, ठीक हो गया मेरा रेओडे। मुझे ना अब तो जब मैं बहुत तेजी से बोलूं तो फिर ज्यादा होता है जो वो हमारी एंकर होती थी किरण आफ्ताब, उन्होंने मुझे बताया था कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है मुंह के कुछ, वो आप लोगों को भी बता दें। नहीं वो मैं नहीं बता सकती, वो बहुत ही वियर्ड किस्म की है, वो ऑफर करी जाने वाली एक्सरसाइज। अच्छा जनाब हमने इनके फंबल्स तो सुने कि ये कौन कौन से शाहकार हमारे साथ जो बैठे हैं चारों ऑनर कौन से शाहकार दिखाते। अच्छा ये बताएं जरा ईद के मौके पर कोई मर्द साथ कुकिंग वगैरह करते हैं आप लोग? मैं क्योंकि अकेला रहता हूँ तो अब स्टार्ट किया मैंने कुकिंग करना, वो भी यूट्यूब से या कहीं से रेसिपी देख कर, वो भी मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा बनाते हैं आप सबसे? मैं व्हाइट चिकन बेवकूफ अच्छा बनाते हैं। अच्छा। वो मैंने इनको बनाया था, व्हाइट चिकन मैं आप सबको खिलाऊंगा। हाँ बस ठीक है हमने बुकिंग करा दिया। अजीम आपको ऐसे फॉर्मल कुकिंग नहीं किए कभी, लेकिन ईद पे चूंकि ईद कुर्मा है और वो मटन शटन और वो सब अवेलेबल है तो वो फिर हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं। एक और भी चीज है ना, कुछ कुकिंग होती है और कुछ सिर्फ फोटोज के लिए होती है। कुछ इंस्टाग्राम बारबेक्यू मैं अच्छा बनाता हूँ, बारबेक्यू अच्छा बनाता हूँ। आपका ड्यू हो गया, चले बस एक पे व्हाइट चिकन कढ़ाई जो अच्छा बना रहे हैं वो ड्यू करते जाएं। और वो नीलम आप क्या अच्छा बनाती हैं? अच्छा मैं नॉर्मली खाती भी अच्छा हूँ और बना लेती हूँ, लेकिन जो मुझे स्पेशली ज्यादा पसंद है वो सब चीजों से हट के पास्ता, वो मैं बहुत अच्छे तरीके तीन चार तरीकों से बना लेती हूँ और फिर बहुत मजेदार। आप ना क्या बनाती हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे कोई बात नहीं, आप ना ऐसा होता है आपके मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग अच्छा, उन्होंने भी अपने साथ के लिए को ढूंढ लिया है। नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। क्या अच्छा बना लेती हूँ? मैं चाइनीज बहुत अच्छा ये बनाती हूँ, मैं चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और ये मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मी को मेरी बिरयानी नहीं पसंद, लेकिन चाइनीज सबको घर मैं भी चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ। स्केच अच्छा नहीं, मैं घर में जब जिस दिन अब्बा को फरमाइश हो संडे वाले दिन तो मैं चाइनीज बना देती हूँ। तो चाइनीज खाना आप लोगों में से किसी को पसंद होगा? हाँ जी बिल्कुल चाइनीज। अरे हमारे यहाँ चाइनीज बनते ना बहुत देसी चाइनीज, वो लोग समझ जो चाइनीज खा लें सारा रोई पड़ेगा। ठीक हो गया, बातों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, अभी हमें सिंगर भी ज्वाइन करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौरी स्पेशल।